मेकअप रिमूव कर रही हूँ एंड गर्मी में ना मेकअप रिमूव करना ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी कर लो बस सो आई एम यूजिंग दिस क्लेंजिंग माइसेलर वॉटर फ्रॉम गुड वाइब्स इसके अंदर है टेंडर कोकोनट जो कि बहुत सही होता है आपकी स्किन के लिए यू फील वेरी रिफ्रेश आफ्टर इट तो मैंने यहाँ पर एक वाइप ले लिया है और उस पर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा ये माइसलव वाटर उसके बाद मैं अपना मेकअप रिमूव कर रही हूँ और एक स्वाइप में ही ये साफ़ हो जाता है आपको कुछ नहीं करना है सिंपली रखो अपनी स्किन पे और वाइप कर दो एंड दैट्स इट बहुत अच्छा काम करता है माइसलव वाटर तो आपको डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए उसके बाद मेरी स्किन एकदम क्लीन हो गई थी एंड आई एम यूजिंग गुड वाइब्स ग्लो शीट मास्क विच इज़ इन द फ्लेवर वाइटमिन सी एंड ये एक बहुत सही मास्क है मुझे बहुत मज़ा आता है ये वाले फेस मास्क लगाने में स्पेशली साइड से स्ट्रेच करके जब आप लगाते हो ना इट्स सो मच फन और सबसे अच्छी बात है कि इतने इतना ज्यादा हाइड्रेशन था इट फील्स सो फ्रेश एंड हाइड्रेटिंग आफ्टर अप्लाइंग दस मिनट रखा मैंने उसके बाद मास्क हटा लिया माई स्किन इज लिटरली ग्लोइंग राइट नाउस को फिर मैंने अच्छे से मसाज किया जो भी एक्स्ट्रा लोशन था मेरे फेस पे आफ्टर दिस आई एम यूजिंग दिस गुड वाइब्स लिप मास्क विच इज वेरी थिक कंसिस्टेंसी एक्चुअली और ये बहुत सही काम करता है लिप्स के लिए इट्स अ वेरी नाइस लिप प्रोडक्ट दिस इज इन द फ्लेवर बेरी सो गुड वाइब्स के जितने प्रोडक्ट होते हैं ना तो उनमें पैरबिन होता है और ना ही मिनरल ऑयल होता है ऑल्सो गाइज मैं गुड वाइब्स के प्रोडक्ट बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ दे आर रियली अमेजिंग सो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए उसके अलावा ये सारे प्रोडक्ट आपको पर्पल डॉट कॉम पर मिल जाते हैं पर्पल ने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन में है गो चेक इट आउट एंड्रॉयड और आई ओ एस दोनों के लिए अवेलेबल है और बहुत दिनों से मैं एक अच्छा मेकअप अच्छा रिमूवर ढूंढ रही थी आई एम एबल टू फाइंड वन ये माइसेलर वाटर जो है गुड वाइब्स का बहुत अच्छा काम करता है स्किन पर बहुत अच्छे से जो भी मेकअप अच्छा है वो रिमूव कर देता है एंड बहुत जल्दी कर देता है स्पेशली आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है मेकअप में यू कैन जस्ट ईजिली रिमूव इट एंड आफ्टर अपलाइंग द मास्क माई स्किन फील्स वेरी हाइड्रेटेड और उसके बाद मुझे बहुत अच्छा अच्छा फील होता है ठंडा ठंडा एंड इफ आई टॉक अबाउट द लिप मास्क तो ये लिप मास्क मैंने पहले भी यूज़ किया है इट वर्कस वंडर्स सबसे अच्छा तरीका इसको यूज करने का आप इसे रात में लगा के सो सुबह जब आप उठोगे तो भी आपके लिप्स हाइड्रेटेड होते हैं ड्राइनेस नहीं आती आपके लिप्स पे गो चेक इट आउट सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ऑल्सो गाइज दिस गुड वाइफ प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन एमजॉन एज वेल एज ऑन फ्लिपकार्टो गो वेलकम बैक टू माई चैनल माई नेम सिमरन सो so गाइज़ आज का वीडियो इज़ गोइंग तो टू बी रियली इंटरेस्टिंग वन आज मैं मीशो का प्रीमियम ज्वेलरी हॉल करने वाली हूँ आई हैव फोर टू फाइव पीसेस टूडे टू शो यू गाइज एंड ये सारे ही मैंने अच्छी रेंज में ऑर्डर किए हैं बिकॉज जो मैंने लास्ट हॉल किया था दैट वॉज प्रिटी अफोर्डेबल अंडर वन फिफ्टी रुपीज़ और आप लोगों को बहुत पसंद आया था सो दिस टाइम आई वॉन्टेड टू ट्राई देयर प्रीमियम ज्वेलरी जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है एंड आई एम नॉट श्योर कि ये ज्वेलरी कैसी आई होगी बिकॉज अभी तक मैंने ट्राई करके नहीं देखा है मैंने सिर्फ अभी पैकेजेस खोले हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड

इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की आई थी इस पूरे डब्बे पे ये टेपिंग थी ब्लू कलर की एंड आई वाज नॉट श्योर कि ये कैसा लगेगा लेट्स सी हाउ इट लुक्स मैंने अभी तक ये पॉलिथिन में से निकाल के भी नहीं देखा है जब मैंने ये ऑर्डर किया था तो मैं उसका पिक्चर लगा दूंगी इसके जो रेड वाले मोती है मुझे वो थोड़े से मरून टोन पे लगे थे पिक्चर अटैच कर दूंगी साइड में कोड और प्राइज भी उसमें मैंशन हो जाएंगे एंड दैट्स हाउ द नेकलेस लुक्स लाइक आई थिंक कि ये अच्छा लग रहा है देखने में इज़ जस्ट दैट कि मैंने कलर दूसरा इमेजिन किया था और ये दूसरा कलर आया है सो इट लुक समथिंग लाइक दिस इसमें कुंदन के ऊपर वर्क दिया गया है नीचे रेड कलर के इन्होंने बीज लगाए हैं और ऊपर थोड़ा सा मैरून कलर है तो वही मुझे थोड़ा सा यू you नो know, इसमें डिफरेंट लग रहा है कि ऊपर मरून है और नीचे इन्होंने रेड दिया है अगर मरून नीचे होता तो ज़्यादा अच्छा लगता बट Overall, if I'll talk about the quality of this necklace, it has amazing quality. Quality-wise, no compromise. And back se ये ऐसा लगता है देखने में. It looks super pretty. मतलब मुझे लगता है किसी भी फंक्शन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है. और मेरे पास इस इस शेप में कोई नेकलेस नहीं था मेरे पास स्ट्रेट थे या फिर चोकस थे बट ये वाली शेप मुझे काफ़ी अच्छी लगती है स्पेशली विद दीज काइंड ऑफ ब्लाउजेज़ तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया क्वालिटी इज अमेजिंग और इसके साथ में आया है एक मांगटिका और दो ईयर तो ये हैं इसके बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से ईयर अगेन आप इन्हें अलग से भी स्टाइल कर सकते हो विद एनी आउटफिट यू लाइक और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है बिल्कुल वैसी है जैसी नेकलेस की थी एंड काफ़ी अच्छा पेयर लगा मुझे आजकल ट्रेंड में भी इस तरीके की ज्वेलरी आप वेडिंग्स वगैरह में देखोगे टीवी सीरियल में आपको दिखाई दे जाएंगी एंड दिस इज द मांगटिका लुक हाउ गॉडज इट इज़ लुकिंग आप सिंपली ये मांगटी का और ईयर भी पहन सकते हो तो भी काफ़ी अच्छा लुक आने वाला है एंड क्वालिटी अगेन आप देखो पास से बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी कुंदन भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं इसमें शीशे नहीं है बेस्ट पार्ट तो ये वाला जो नेकलेस है इज जस्ट दैट कि मैंने कलर दूसरा इमेजिन किया था आया दूसरा है उसके अलावा क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है क्वालिटी इसकी अच्छी है इट्स ऑफ प्रीमियम क्वालिटी जितने पैसे दिए हैं जस्टिफाइड है आपको ये ट्राई करना चाहिए बहुत पसंद आएगा मूविंग ऑन टू अनदर नेकलेस जो कि आया है इस बॉक्स में आजकल ये वाली ज्वेलरी काफ़ी ट्रेंड में है मतलब आपको 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 ये 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 दिख दिख जाएगी, जाएगी। हर जगह तो है है हमारा बहुत ही beautiful सा नेकलेस। इसमें बीच में uh, दिखाई देता है, और साइड में होते हैं इसमें अमेरिकन डायमंड्स का वर्क तो ये कुछ इस तरीके का नेकलेस है कलर इसका बहुत प्रिटी लगा है मुझे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है ये वाला नेकलेस भी और इससे पहले वाला नेकलेस भी बट आई वॉन्टेड समथिंग इन दिस शेड तो मैंने ये ऑर्डर किया एंड मुझे तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा है लुक हाउ गॉर्जेस इट लुक्स ये इंस्टेंटली यू नो आपके लुक को थोड़ा सा एक्सपेंसिव लुक तो देता है भाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी क्वालिटी भी मुझे ठीक ठाक लग रही है अभी तक तो बाकी जब मैं और पहनूंगी इसको तीन चार बार तो मैं ढंग से बता पाऊँगी बट बत अभी मुझे अच्छा लग रहा है ये एंड दिस इज़ द गॉर्डजेस कलर ये मेरी बहुत सारे आउटफिट्स पर चल जाएगा एंड स्पेशली पिंक्स पर्पल्स वाइट और ब्लैक के साथ ये काफ़ी अच्छा लुक देने वाला है ये वाला कलर फाइल सी तो इसमें कोई भी नग नहीं निकला हुआ है विच इज़ द बेस्ट पार्ट और इसके साथ आए हैं ये बहुत ही गोर्जिश से इयर जो कि अगेन बहुत ज़्यादा प्यारे हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे नेकलेस है बट उसमें से एक इन्होंने पार्ट निकाल के इस तरीके से एयर बना दिए हैं और बहुत ही बेसिक नेकलेस है जब आपको कुछ समझ न आए तो इस तरीके के नेकलेस आपके सारे आउटफिट्स पे काम करते हैं बी इट एनी अनारकली ड्रेस लहंगा और आपकी साड़ी तो ये वाला नेकलेस आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए बट इन अनादर कलर क्योंकि मैंने ये स्पेसिफिक कलर किसी आउटफिट की वजह से ऑर्डर किया है बट इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं तो आप उनमें से कोई एक बेसिक कोई ग्रीन या फिर कोई मरून ऐसा कोई कलर उठा के ऑर्डर कर सकते हैं वो आपके सारे आउटफिट्स के साथ चल जाएगा अनादर नेकलेस दैट आई हैव ऑर्डर्ड इज डिफरेंट ये थोड़ा सा लॉन्ग काइंड ऑफ अ नेकलेस है सो so ये जो नेकलेस है इसमें कोई ईयर नहीं आया जिससे इज़ ओनली नेकलेस काफी एक्सपेंसिव था ये बट चलो लेट सी कि इसकी क्वालिटी कैसी है सो दैट्स हाउ द नेकलेस लुक्स लाइक आई थिंक इट लुक्स सुपर प्रिटीज इसमें डिफरेंट कलर के बीच हैं और बीच में कुंदन की डिटेलिंग है नीचे तक ऐसा ही दिया गया है ये और ये आपके किसी भी नेकलेस के साथ आप इसे पेयर करके पहन सकते हो आप इसे किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हो इंस्टेंटली ये आपको एक स्टाइलिंग के अपर लेवल पर ले जाता है बिकॉज इट लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड इसको पेयर करना बहुत आसान है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ सो दैट इज़ टोटली अप टू यू आप किसके साथ इसे पहनना चाहते हो बट ये किसी भी कलर के आउटफिट के साथ आराम से चला जाएगा वेरी वर्सिटाइल पीस एंड क्वालिटी इसकी अच्छी है इन्होंने तार से बुन के दिया है ये बस थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है इसमें वैसे ही निकलेगा नहीं काफ़ी अच्छे से दिया है एंड ये कुंदन भी इसमें काफ़ी अच्छे से लगा के दिए इन लोगों ने सो दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक मतलब एक ये मल्टी कलर वाला नेकलेस है जो कि uh, आराम से बहुत किसी भी आउटफिट के साथ आप इसे मैचअप करके पेयर करके पहन सकते हो अच्छा लगेगा बट ईयर की कमी है इसमें बट दैट्स ओके जब आप पेयर करके पहनोगे दो नेकलेस के साथ तो ये अच्छा लगेगा जैसे कि मैंने बताया कि क्वालिटी वाइज अच्छा है प्राइस को जस्टिफाई करता है जस्ट दैट ईयर की कमी है बाकी एवरीथिंग इज फाइन अबाउट इट इस तरीके का एक और नेकलेस मैंने अपने हॉल वीडियोज में आपको दिखाया था वो भी बहुत लोग को पसंद आया था थोड़ा ग्रीन टोन में था बट ये उसका थोड़ा सा बेटर वर्जन है तो ये मुझे ज्यादा पसंद आया मूविंग ऑन टू द लास्ट नेकलेस ऑफ द हॉल ये थोड़ा सा डिफरेंट आया है जो मैंने ऑर्डर किया था से सो दिस इज द नेकलेस इसमें ये थोड़ा सा पर्पल का टच है नीचे और इसमें इन्होंने कुंदन के बजाय शीशे दिए हैं दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बट प्राइज़ के अकॉर्डिंग ठीक भी है बुरा नहीं है इसमें साइड में लेकिन कुंदन लगाई है इन्होंने लेकिन सेंटर में इसमें शीशे दिए गए हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल लगता है पहनने के बाद इट गिव्स यू अ वेरी डिफरेंट एंड नाइस लुक एंड इसमें जो मोती दिए गए हैं वो थोड़े मोटे टाइप के हैं मतलब इनकी क्वालिटी मुझे इतनी पसंद नहीं आई इसका बैक पोर्शन देखो सो दिस इज़ समथिंग दैट रियली बॉर्दर्ड मी कि इसकी जो बिल्ट क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है प्रोडक्ट की एंड मोती भी इन्होंने इसमें अच्छे नहीं लगाए और ये सेक्शन भी इसका बहुत चीप लग रहा है देखने में सो ये दूर से देखने में आपको अच्छा लगेगा बट क्वालिटी इज़ नॉट नाइस सो गैस जनरेटर फिर से स्टार्ट हो गया था सो यरिंग्स इसके साथ आए हैं पर्पल कलर के दैट्स इट फॉर टू डेज वीडियो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना एंड या आशा कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ टिल देन टेक केयर बाय बाय माई नेक्स्ट वन